सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निक गुजराती और आपका स्वागत करता हूं मेरी इस एक्सपेरिमेंटल यूट्यूब चैनल में। मैं स्टूडेंट हूं जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, सेकंड ईयर में अभी पढ़ता हूं, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, तब तक मैं थर्ड ईयर में आ चुका होगा। आज का जो ये वीडियो है ना, वो व्लॉग नहीं रहेगा, वो रहेगा थोड़ी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं उनके लिए। आज मैं सबसे पहले दिखाऊंगा आपको मेरी हॉस्टल जहाँ पर मैं रहता हूँ। मतलब यहाँ पर 3-4 हॉस्टल्स हैं, लेकिन आज हम देखेंगे मेरी हॉस्टल जहाँ पर मैं रहता हूँ। पहले वो एरिया का नाम है स्पूतनिक, और आप ये हॉस्टल को भी लोग स्पूतनिक के नाम से ही जानते हैं। आप कहीं भी जाओ स्पूतनिक बोलो, समझ जाएंगे आप वो वाले हॉस्टल में रहते हो। मेरा जो ये एरिया है ना, उसको बोलते हैं स्पूतनिक ये वाला पूरे एरिया। और ये सामने रही हॉस्टल, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। वो है हमारी हॉस्टल और ये है पूरा एरिया। और यहाँ पर ना स्कूल है एक। ये वाले हॉस्टल में रहने का ना मैं फ़ायदा बताता हूँ, मुझे क्यों पसंद है ये वाले हॉस्टल स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर ना ये स्कूल है, यहाँ का प्लेग्राउंड है, आप वहाँ जाकर टहल सकते हो, चल सकते हो, या खाने के बाद वहाँ जा सकते हो, क्योंकि मैं ना रोज़ खाने के बाद वहाँ जाता हूँ। वहाँ मज़ा आता है टहलने में भी। और एक दूसरी बात, यहाँ आपा की शॉप है, वहाँ से आपको सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ दूसरी भी एक शॉप है, वहाँ से भी आप और कुछ भी ले सकते हो, खाना पीने का वो सब मिलता है। और यहाँ एक बात, यहाँ शॉप नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं मैगज़ीन। आपको कुछ भी लेना हो तो दुकान नहीं, मैगज़ीन बोलने का। मतलब वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। और पास में अगर आपको मेस में वैसे तो खाना बहुत अच्छा आता है, अगर आप कहीं भी लेट उठे हो या फिर खाना खाने नहीं गए, भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर ना एक सलाम नमस्ते करके एक कैफ़े है, मतलब वहाँ पर सब इंडियन मिलता है। आप समोसा खा सकते हो, पराठा खा सकते हो, चाय पी सकते हो। ये भी बहुत ही पास में है, मतलब 100-200 मीटर के अंदर होगा सलाम नमस्ते। आप वहाँ जाकर कुछ भी खा सकते हो, ओके। और दूसरा, वहाँ पर ना एक मैं जहाँ से आ रहा हूँ अभी, वहाँ पर एक बर्गर शॉप है, मतलब वहाँ पर भी सब मिलता है। इंडियन नहीं कह सकते, ये कोई कज्जू का, लेकिन बर्गर वहाँ पर मिलता है, शोरमा वहाँ पर मिलता है, वेज बर्गर, वेज शोरमा, फ्राइज, मतलब आपको सब खाना हो तो वहाँ मिल जाएगा। और वो सबसे मेन बात है, क्योंकि हॉस्टल वालों के लिए क्या रहता है, मैंने पता है, एक रहता है खाने की चीज़ें, क्योंकि आपको खाना मिलना चाहिए। यहाँ पर खाने का सब मिल जाता है। ये बेस्ट लोकेशन है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर सारे इंडियंस ही है, मतलब आजू बाजू जहाँ देखो फ्लैट्स में भी सब इंडियन रहते हैं, तो आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा। और आपको कभी भी ना यहाँ पर एक फील नहीं होगा कि आप इंडिया से बाहर आए हो, पूरा इंडियन ही लगेगा, क्योंकि आजू बाजू जहाँ देखो सब इंडियन मिलेंगे, हॉस्टल में भी सब इंडियन होंगे, है ना, होल्डन से लेके सब इंडियन। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इंडिया से बाहर आया हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी ऐसा लगता नहीं कि इंडिया से बाहर हूँ, क्योंकि हॉस्टल में पूरा हिंदी बोलने का होता है और बाकी थोड़ी बहुत इंग्लिश, और यहाँ के लोग तो रशियन में समझते हैं। और ये देखो, ये प्लेग्राउंड है, मैं आपको प्लेग्राउंड दिखाता। ये ना प्लेग्राउंड है, आप यहाँ पर टहलने आ सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा शाम को। और वहाँ पर मैं जो बोल रहा था ना, वो वाली आपा की शॉप है, और इनका नाम नहीं पता, लेकिन हम इनको मामा बोलते हैं। मैं वहाँ भी जाता हूँ और वहाँ भी जाता हूँ, दोनों शॉप आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें करना है क्रॉस रोड। ये जेब्रा क्रॉसिंग है ना, ये हमको क्रॉस करनी है। इसके लिए क्या करना पता, यहाँ से ये बटन दबाओ, आप ऐसे ये बटन दबाओगे ना, वहाँ पर गाड़ियाँ रुक जाएंगी। देखो वहाँ पर सिग्नल हो गया ओपन। सबसे पहले हम चलते हैं मामा की मैगज़ीन पे, यहाँ पर शॉप नहीं बोलते, मैगज़ीन बोलते हैं। ये है मामा की मैगज़ीन। मामा कक दिला रशो द यूट्यूब मामा, यूट्यूब अतः इनको आके बोलते हैं वैसे तो, है ना। तभी जाऊ आगे मामा अतः मोहम्मद नाम है, लेकिन मामा मामा बोलते हैं सब। यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, ये वाला बिस्किट सब इंडियन, वैसे कुछ नहीं मिलेगा, बट वेफर सारी मिल जाएगी, ये मैगी मिल जाएगी, सॉस मिल जाएगा, सब मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। इसका नाम देखा, बेटा टी। ये वेफर से लेस की सारी, अभी मामा के वहाँ स्टॉक खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आप आओगे तब तक। ये सब वेफर से है। और ये सबसे मैं आइसक्रीम्स, और ये है सारे राइस बाइस मसाले बसाले, अगर आप रूम पे कुछ बनाना चाहते हो तो ये है आलू है, ये अनियन, ये संतरा,
सब कुछ है यहाँ पर, ये मूंगफली और ये मामा। सो अब हम चलते हैं आपा की शॉप में। आपा यहाँ सबकी फेवरेट है, मतलब सब स्टूडेंट की फेवरेट आपा ही है, क्योंकि आपा के वहाँ सब कुछ मिल जाता है, मामा के वहाँ नहीं होता वो भी। सो हम चलते हैं आपा की शॉप पे, चलो। सो भाई ये है आपा की शॉप और ये हमारा आपा। आपा काक दिला। सो ये आपा की शॉप, आपा हमारे सबकी फेवरेट है ना यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर ये सब खाने पीने का मिल जाता है, ये वेफर सारी जो मामा की शॉप पे था वही यहाँ पर मिलता है, लेकिन मामा की शॉप से ज़्यादा यहाँ पर सब मिलता है। सो वो आपको स्पुतनिक में रहते हो तो आपा की शॉप पे आना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर से आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। सो भाई ये है हमारी मेस जो कि अभी बंद है, पर आपा की शॉप है ये और यहाँ पर रहेगी अपनी मेस, तो आपको यहाँ पर आकर खाना खाना पड़ेगा। ओके तो भाई आप चाहे किसी भी हॉस्टल में रहो ना, यहाँ पर लंच के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, मतलब कि आपकी क्लास जो है ना यहाँ पास में बिल्डिंग है ATF, वहाँ पर रहेगी। और आपका मेन फ़ायदा दूसरा ये रहेगा कि आपकी क्लासेस सारी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में यहाँ ATF पे लगेगी। सो आपको आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे लड़कों का तो ऐसा होता है ना, मतलब मेरा ऐसा है कि सुबह लेट से उठने का है और क्लास में जल्दी जाने का होता है। तो आप यहाँ पर रहो, 10 मिनट में तैयार होकर चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये स्पुतनिक उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। और अब हम आए सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते जहाँ पर मिलता है सब क्या इंडियन। तो आप यहाँ पर आकर कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो। और अभी हम आए चाय पीने, सो हम चाय पीते पहले, उसके बाद चलते हैं हॉस्टल, हॉस्टल दिखाता हूँ। सो ये है सलाम नमस्ते, यहाँ पर आप चाय बाय पी सकते हो। और ये है प्ले स्टेशन, यहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हो। तो हम गए थे चाय पीने, लेकिन खा लिए हमने पराठे भी। और अब हम चलते हैं हॉस्टल। वैसे आज बहुत खा लिया यार, मैं पहले गया था बर्गर खाने, बर्गर खाया था, वनराज मिल गया, वनराज बोलता है अपन चाय पीने चलते हैं, तो वहाँ हमने चाय पी ली वो सब। सो वो तो ठीक है, लेकिन अब चलते हैं हम हॉस्टल। देखो हम ना यहाँ से जाते, ये वाला जो है ना वो शॉर्टकट है, लेकिन हम चलते हैं अभी उसके जो लॉन्ग कट जो है ना, क्या बोलते हैं वो पता नहीं, जो मेन गेट है वहाँ से चलते हैं पहले। और यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा सारे सिम कार्ड्स, और ये जो सिम कार्ड कंपनी है उसको बोलते हैं ओ आई का सिम है। और ये जो है हमारे हॉस्टल का मेन एंट्रेंस, मतलब यहाँ पर जो है ना गेट था पूरा, अभी यहाँ पर इन लोगों ने निकाल लिया क्योंकि रिनोवेशन कर रहे हैं कुछ ये लोग। सो यहाँ पर से निकाल लिया, यहाँ था गेट। और ये पर यहाँ पर आप नीचे बैठ सकते हो, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है पेड़ों के नीचे बैठने का। ये है हमारे हॉस्टल, देखने में थोड़ी पुरानी बिल्डिंग लगेगी बट बाकी बहुत सही है, और मज़ा यहाँ ही आता है रहने का जो भी है। बाकी सारी हॉस्टल जो नई नई बिल्डिंग है उससे ज़्यादा मुझे यहाँ रहने का पर्सनल मज़ा आया। और वहाँ पर ना पीछे ग्राउंड है एक। सो ये है हमारे हॉस्टल, और ये जो है ना सब मतलब अभी इतना ग्रीन ग्रीन लग रहा है, जब बर्फ़ गिरेगी ना सब भी जगह बर्फ बर्फ होगी, बर्फ में और भी मस्त लगता है। लेकिन मुझे पर्सनली बर्फ़ ज़्यादा, ये ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो ये अभी क्या समर का सीज़न है और अभी बारिश आ रही है, सो एकदम पूरा सब ग्रीन हो गया। और ये हमारे भैया, भैया आपको कितने सालों से यहाँ रहते हो स्पुतनिक में? स्पुतनिक में अभी हमारा 4th ईयर। रुको एक मिनट माइक देता हूँ। सो भैया से पूछते हैं हम, पास में रखो ना कोई बात नहीं। सो भैया आप कितने सालों से स्पुतनिक में रहते हो? अभी हमें 3 साल हुए स्पुतनिक में, अभी 4th ईयर चालू हमारा। और स्पुतनिक में कैसा लगता है? स्पुतनिक बेस्ट है अपना, लेकिन बेस्ट है। और ये हमारा सुरेश, वो जो मेरा रूम है। और ये सुरेश, और यहाँ पर ना ग्राउंड है, आप पीछे जा सकते हो, मैं आप चलो ग्राउंड दिखाता हूँ आपको। और ये जो गली जो है ना पूरा, ये रोड, ये जब बर्फ होगी ना बहुत ही मस्त लगता है ये वाला रोड। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड, और बाद में चलते हैं हम हॉस्टल देखने। बाहर से तो आपने देख ही ली ना हॉस्टल, अंदर से देखनी है और तो कुछ है नहीं। सो यहाँ पर चल रही है अभी मैच, शायद JPL की मैच चल रही है, JPL मतलब जलालाबाद प्रीमियर लीग। सो ये समर में होती है जलालाबाद प्रीमियर लीग, और अभी चल रही है शायद उसी की मैच यहाँ पर।
अभी ग्राउंड में नहीं जाते, हम चलते डायरेक्ट हॉस्टल पर। और वो जो पीछे है ना ये बिल्डिंग, ये सारे फ्लैट्स है, यहाँ पर भी सब इंडियंस ही रहते हैं इस सारे वाले फ्लैट्स में। सो भाई आज का जो वीडियो है ना उसमें सिर्फ स्पुतनिक हॉस्टल ही आएगी। सो दूसरी हॉस्टल को देखने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं ना एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मेरे किर्गिस्तान के सारे व्लॉग्स हो गए। तो सबसे पहले मेरे वो व्लॉग्स देखो, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे व्लॉग्स देखो, उसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ज़्यादा पता भी चलेगा किर्गिस्तान के बारे में। और हॉस्टल वाले वीडियोस के लिए भी एक पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, किर्गिस्तान के व्लॉग्स के लिए भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। और सबसे मेन बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और सब्सक्राइब करो मेरी चैनल। तो हम अब चलते हैं अपने हॉस्टल के अंदर। और हॉस्टल के अंदर घुसते ही आपको ये मिरर दिखेगा जहाँ पर आपके स्नैप सारे यहाँ ही बनने वाले हैं अगर आप स्पुतनिक में रहते हो तो। सो ये मिरर आपका बहुत ही काम आने वाला है और मज़ा भी आएगा स्नैप लेने में यहाँ पर। और जो आईफोन वाले हैं उनके लिए तो ये मतलब वरदान के रूप में है, उनको शौक होता है ना आईफोन के साथ वो लेने के लिए। सो ये आपके लिए बहुत काम आएगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी वाले आपा रहती है और ये है उनका मेन एंट्रेंस हॉस्टल का। हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स है, आप पढ़ सकते हो, वैसे भी कोई फॉलो तो करता है नहीं लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हो। ये है हॉस्टल, ये ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर हमारी डिस्पेंसरी है अंदर, शायद खुली होती है तो मैं आपको दिखा दूँ, अभी बंद है। सो ये चलते हैं अपन वहाँ पर। सो अभी हम आ गए हैं फोर्थ फ्लोर पर, ये फोर्थ फ्लोर है। सो ये है फोर्थ फ्लोर, यहाँ पर ऐसे रूम्स रहेंगे। और पता नहीं क्यों इधर की लाइट्स बंद है, लेकिन अभी हम चलते हैं पहले मेरे रूम में। और पीछे जो आ रहा है ना ये स्मिथ है, ये मेरा फर्स्ट टाइम रूम पार्टनर, अभी से उठ के आया। हाँ सो वो मेरा फर्स्ट टाइम रूम पार्टनर था, अभी गुजरात से ही है, लेकिन हम चलते हैं रूम में, चलो उसको जान पाओ। What a timing, bro. So, ये है वनराज मेरा रूम पार्टनर और ये अभी जो था ना वो सुरेश था। सो ऐसी कुछ है हमारे रूम्स, देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो मैं ना आपको ये व्यू दिखाता हूँ, मेरे रूम से जो व्यू आता ना वो देखो एकदम मस्त हो, पीछे पहाड़ सारे है और वहाँ पर जब बर्फ़ गिरती है ना वो सारा बर्फ बर्फ हो जाता है और जो मज़ा आता है वो व्यू देखने में एकदम माशाल्लाह। सो ये है मेरे रूम से सब व्यू और ऐसी कुछ है रूम, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। रवंद्राज अभी सो रहा है, क्या कर रहा है, बैठा है, ठीक है। जो मैं आपको रूम दिखाता हूँ अच्छे से सो। सो यहाँ पर है टॉवल वनराज का और ऐसे ना सबको ऐसे कबर्ड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं दो कबर्ड है ऐसे। और ये है स्टडी टेबल और ये है मेरे भतीजे, दोनों भतीजे भतीजे क्या बोलते पता नहीं मुझे, और इसको बोलते तंबुश्की। यहाँ पर इसकी जो छोटी वाली कबर्ड है ना उसको बोलते तंबुश्की, ये भी है तंबुश्की, ऐसे तीन तंबुश्की दिए हुए हैं। और इसे बोलते तपलिन, जो कि जब ठंडी होगी ना सो इसमें गर्म पानी आएगा और आपका रूम पूरा गर्म रहेगा, ओके। और ये हमारा वनराज और ये ऐसी कुछ रूम और ये सब बेड आपको दिए जाएंगे, ये सब भी आपको यहाँ से ही प्रोवाइड किया जाएगा ये सब भी। सो ये भी लाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और देख लो आप, ज़्यादा कुछ है नहीं खास, मस्त रूम है एकदम बड़ा स्पेशियस अच्छे से। और हाँ बस, सो मतलब बेसिकली बात ये है बहुत ही अच्छी रूम मिलेगी, कुछ ऐसी वो दिक्कत नहीं रहेगी, अंधेरा वंधेरा कुछ नहीं रहेगा, अच्छे से रूम में हवा बवा आती रहेगी। और मेरा तो रूम क्या है फोर्थ फ्लोर पर है ना, वैसे थर्ड फ्लोर पर है लेकिन यहाँ पर ना लोग ग्राउंड फ्लोर से गिनने लगते हैं। सो इसको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसा है। सो ग्राउंड फ्लोर वाले जो इसको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मेरा फोर्थ फ्लोर है। और यहाँ पर रहने का भी बहुत मज़ा आता है और ये व्यू तो आपने देख ही लिया है। और सबसे मैंने यहाँ पर ये लाइट शुरू करने की भी ज़रूरत नहीं थी दिन में, अभी पता नहीं क्यों शुरू है। और हमारा सुरेश वापस आया है, किधर था, किधर था, ठीक है वो बात छोड़ो उसकी, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ रहने का मज़ा बहुत आता है। और अगर आप स्पुतनिक में रहते हो और ये मेरी रूम आपको मिलेगी ना सो भाई मज़ा ही मज़ा है, ओके, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वाले रूम में स्पेशली। मेरा रूम नंबर है 412 और सेकेंड मतलब फर्स्ट ईयर में मैं रहता था सेकेंड फ्लोर पर, वो भी रूम बहुत ही अच्छी थी, वो मतलब वो उस साइड थी
जी इस साइड है, तो वो रूम भी बहुत ही अच्छी थी। फर्स्ट ईयर में मेरी रूम थी 227, वो भी बहुत मज़ा आएगा। सो अब तक आपने जो हॉस्टल का वीडियो देखा वो था स्पूतनिक हॉस्टल, और मुझे पता है कि आपके माइंड में ना अभी भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ओके। और मैं चाहता था कि वो सारी हॉस्टल कवर हो जाए और उसमें हर एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिलते जाए, मतलब लॉन्ड्री का क्या सीन रहता है, मेडिकल कैसा है, ट्रैवलिंग का क्या सीन रहेगा, वो सारे आपको जो भी क्वेश्चन ना उसके आंसर बाकी के जो दोनों हॉस्टल के वीडियो आएंगे, कुगार्थ और 14 स्कूल वाले हॉस्टल के वीडियो, उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और मैं वहाँ से आया तब शूट कर कर ही आया हूँ सारे वीडियो, सो डोंट वरी, मैं जाऊँगा उससे पहले आपको वो सारे वीडियो मिल जाएगा, और वहाँ जाने के बाद और भी सारे वीडियो बनाएंगे। आपको जो जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और वो वीडियो दोनों देखना मत भूलना, उसमें बहुत ही काम की चीज़ें आपके लिए। और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे DMs आए कि भाई यहाँ से जाएंगे वह उधर, मतलब किर्गिस्तान आपकी कॉलेज, मतलब मेरी जासू में, या फिर किर्गिस्तान में जा रहे हो तो वहाँ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है यहाँ से, ओके। सो उसके ऊपर भी मैं सोच ही रहा था एक सेपरेट वीडियो बनाओ, और लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी बनाऊँगा, डोंट वरी, आप लोग जाओगे उससे पहले। और शायद फर्स्ट ईयर आपका जो ईयर होगा ना उसका सेशन दिसंबर एंडिंग से स्टार्ट होगा, सो तब तक तो वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। और मैं ऐसा ट्राई करूँगा, इधर से ही घर पर हूँ तब से ही बना लूँगा, ओके। और दूसरी एक बात के और भी लोग पूछ रहे थे कि नीट के बिना हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, ओके, नीट ज़रूरी है और नीट में कितने मार्क चाहिए, क्या सीन रहता है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। और आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा 7 तारीख को ना, सो उसके बाद आशा करता हूँ आपको आपके मनपसंद कॉलेज में मिली जाए एडमिशन। और बाकी दूसरा सीन ये भी लोग पूछते हैं कि एडमिशन वहाँ पर कैसे ले, सो एडमिशन कैसे लेना उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, और मेरे कॉलेज में कैसे लेना उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, मतलब उसी वीडियो में बोल दूंगा कैसे रहना, और ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं है। ऐसा हो सकता था आप मुझे पूछो, मैं आपको लिंक दे दूंगा कहाँ से एडमिशन लेना है या फिर मैंने किससे करवाया उसके थ्रू, ओके। और बाकी तो मैं आपको ज़्यादातर तो कुछ नहीं कह सकता कि किससे एडमिशन लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपके स्टेट वाइज सब अलग अलग रहता है। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ आपका, अलग अगर स्टेट वाइज आपके वहाँ पर जो है वो, या फिर कोई मतलब वहाँ पर जो अच्छा सर्विस दे रहा है, जो मैंने एडमिशन लिया था उनकी भी सर्विस सही है, और बाकी जो भी है आप मुझे DM करना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ओके। मैं कुछ मुझे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं, बट मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़त्म, टाटा गुड बाय, और जल्दी जासूम।